अरे कौन हो तुम भैया, कौन हो? मैं भूत हूँ। ये देख लो गद्दार आदमी बैठा हुआ है। गद्दार है ये, गद्दार है। भी गद्दार है। देखो कौन है फ्रिज में? हाँ क्या कर रही है? हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है? तो भाई मेरी कैमरे में जो है मेरी नीली पगड़ी जो है ना वो काली लग रही है। तो हाँ यार, किसको इसको नीले लग रही है प्लीज कमेंट में बताओ। तो मुझे तो काली लग रही है भाई, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं होगी मुझे? तो भाई डार्क ब्लू कलर है तो वो ब्लैक ही लगता है कैमरे में। तो भाई ऑफिस पहुँच के अब निपटा लिया हमने थोड़ा बहुत काम, और थोड़ा बहुत बचा है वो अभी निपटाएंगे धीरे धीरे, और रोटी खाएंगे फिर, क्योंकि भाई लोग आ जाए, भाई लोग आए नहीं है। तो भाई आ जाए सब सारे, मैं और जी आए खाली, और आज तो राहुल भी नहीं आया। तो अभी राहुल को फ़ोन करते, राहुल ना रह गया। तो राम भाई एज यूजुअल छुट्टी पे है, वो एक दिन छुट्टी जाते हैं तो 5 दिन छुट्टी बना के आते हैं भाई साहब। उसको आज मैंने बोला भाई कि एक दिन छुट्टी जाते हो तुम, एक दिन की जगह 5 दिन की हो जाती तुम्हारी छुट्टी। तो भाई अभी देखते हैं क्या सीन है उनका, तो आज तो आएगा नहीं। निर्माण सिंह का फ़ोन आने वाला है, क्योंकि चाचू मुझे कुत्ता लेकर दो। तो कुत्ता लेके तो भाई साहब उनका कहना ये है कि उनका फ्रेंड कुत्ता ले आया, तो अब उसको जो है कुत्ते की रट लगी हुई है कि मुझे कुत्ता ला के दो। तो कुत्ता भाई, कुत्ते को पालना यार बड़ा मतलब एक जिम्मेदारी वाला काम है। तो अपनी हम खुद ही नहीं पाल पा रहे ढंग से, हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं, तो कुत्ते की जिम्मेदारी कहाँ से निभाएंगे। तो अभी तो उसे एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम निपटा लें और उसके बाद भाई साहब फिर गाना गाएगा वो असली, क्योंकि उसका बर्थडे भी आने वाला है। और बर्थडे में कहेगा मेरे को भाई कोई गिफ्ट दो, मुझे कुत्ता ही दे दो। तो अभी भाई रोटी खाने का टाइम तो अभी है अपने पास, बाकी भाई लोग आ जाए हम लोग फिर रोटी खाएंगे। और आज इंदर कहाँ से रोटी आएगी देखते हैं, इंदर आज क्या लेके आएगा। मेरा गैस है कि भाई साहब लेके आएगा मिस्से के पराठे, तो देखेंगे कि मिस्से के अपना गैस सही निकलता है कि नहीं निकलता है। ओ भाई साहब, और क्या है ये बैकग्राउंड देख लो, बैकग्राउंड कितना प्यारा लग रहा है यार। वॉलपेपर मुझे सही में बहुत अच्छा लगता है। तो जिया जी ने गाना लगाया हुआ बहुत तेज़ मोबाइल में, और वो भी पीछे से तो पीछे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो भाई राम तो आया ही नहीं है, तो राम का फ़ोन कर, तो रवि का फ़ोन रखा भाई साहब। तो भाई अभी चलो अभी निपटा लें अपना काम, उसके बाद मिलते हैं रोटी खाते हुए। भाई देखो अपना गैस सही था और अपने पास आए आज पराठे, देखा सब जो बनाते हैं ये क्या चिल मिलाता है? ये वो नहीं बनाया उन्होंने, पता है यार, तो यार। वो लंगर में बनाते हैं। पराठे आए आज, मैंने पहले भी बोले थे पराठे आए, तो इस आदमी की मैं नस नस से वाकिफ हूँ। नहीं बोला था वो छोले एक्चुअली में दो तीन बार अच्छा भाई चार ऐसे कैसे चार बार पराठे भी मिस्से के हैं बिल्कुल दही के साथ, दही नहीं बोला था मगर पराठे मिस्से के, मगर हमने मक्खन को पिघलाने का जुगाड़ ढूंढ लिया। ये देखो आ गया कबू मक्खन कहाँ गया, मक्खन पिघलाने का जुगाड़, 5 मिनट को रखेंगे और गर्म हो जाएगा। ये सलाद आया, इसको मक्खन नहीं खाना ना, इसको मक्खन नहीं खाना भाई, चलो इस आदमी को मक्खन नहीं खाना, मेरे को इस आदमी को तो खाना है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं घर, घर मतलब इधर प्रीति बहन के, क्योंकि रोटी आज हमारी यहीं पे, प्रीति बहन ने कहा रोटी यहीं खाना हमारे साथ। तो हम यहाँ पहुंच चुके हैं और देखते हैं, क्योंकि घर वाले तुमसे आए नहीं कोई, और भाई आ गए हैं, पापा आ गए हैं। यस व्हाट आर यू डूइंग? ओ भाई फ्रिज में कौन है देख लो जरा, देखो कौन है फ्रिज में? हाँ क्या कर रही है, क्या कर रही थी है? दो मार्केट फ्रिज में घुसी हुई थी या मेरे को हल्का फुल्का कुछ खिला था, भूख लग रही है। क्या खत्म हो गई? खत्म हो गई। सो माय गॉड सारी खत्म हो गई, अब आपके लिए लेके आऊंगा, अभी है जुगाड़ लगा रही है, फूफ खत्म हो गई है। 1 2 3 4 5 क्या कर रहे हैं? अच्छा और क्या चाहिए बता दो आपको, और लेके आनी है?
उसके ऊपर ना खड़े हो, गिर जाओगे, गिर जाओगे, मैं गिर जाओगे। आपने स्लीपर भी उल्टे पहने हुए, चप्पल भी उल्टी पहनी है। ये चप्पल ना, ये देखो, ये देखो, सब लोग देखो, ये चप्पल उल्टी पहनती है। दिखा जरा, दिखा जरा, दिखा दिखा दिखा, मेरे को चप्पल दिखा, मेरे को चप्पल, ये चप्पल देख लो उल्टी पहनती है। चप्पल सीधी कर दो, हटो एक बार, सीधी कर दो, ये चप्पल सीधी करने का तरीका देख लो उसका। भाई तू इतना दिमाग कहाँ से लाती है? टैलेंट है भैया बच्चे का, इतना दिमाग कहाँ से लाती है? फिर तक हम करते हैं अभी जलपान, कुछ भूख लग रही है, कुछ भी दे दो हल्का फुल्का। मैगी है? नहीं मैगी नहीं खा ली यार। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ जलपान करते हैं और तब तक घर वाले भी आ जाएंगे सब लोग, फिर देखते हैं आगे का प्लान क्या है, क्योंकि कल हमें जाना है कि काम से ज़रूरी, और अभी रात में फिर गुरुद्वारे से जाना ही है। तो अभी देखते हैं, पहले यार कुछ खा रहे हैं, उसके बाद कुछ अंदर से कुछ निकलेगा, जब तक खाएंगे नहीं कुछ भी नहीं निकलेगा। तो भाई ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, गद्दार आदमी बैठा हुआ है, गद्दार है ये, गद्दार। अच्छा तू गद्दार क्यों है ये बता दे। आप भी गद्दार हो। अरे मैं बताया, तू गद्दार क्यों है? आप भी गद्दार। अरे मैं तो छोड़ बता दे, क्या पता नहीं मैं क्यों गद्दार हूं, बता दे। तेरे बाबा जी ने गद्दार बनाया। बाबा जी ने गद्दार बनाया? हां बता क्यों गद्दार है। ए बाबा जी ने कौन बताएगा ये गद्दार है? जो भी कौन बताएगा, जल्दी बता कौन बताएगा। मुझे पता है भाई, ये अपना अपना व्लॉग नहीं देखता और ये सबके व्लॉग देखता है। अरे सारे व्लॉग के बाद देखता हूं, आपके सबसे पहले देखता हूं भाई। ये इस गद्दार को ना है वाकई आज का जो सब दुनिया की सबसे गंदी मम्मी हो। क्या बोला, क्या बोला? आपकी सबसे गंदी मम्मी हो, मैं जा रहा हूं जो अच्छी मम्मी। क्या गद्दार है ये, बहुत बड़ा वाला है। कहा जा रहा है अच्छी मम्मी के पास? मैंने कहा फिर जो अच्छी है वो चला जा, पहले जा रहा चाची के पास, तो कर जाओ। मैं अच्छी हूं, 400 तक कर मेरे गंदी है, आपके साथ ही सोऊंगा मैं। सोने के गद्दार वो गंदी क्यों? क्योंकि तू पहले सोने के लिए बोला था ना इस करके। विवान 400 रुपए दो फिर मैं अच्छी हूं तो। ठीक है, ये देख लो सबसे गद्दार आदमी लेटा हुआ है। अरे इतने गद्दार को निकला, इतना गद्दार तो कोई नहीं होता। अरे कौन हो तुम भैया, कौन हो? मैं भूत हूँ। हैं? मैं भूत हूँ। भूत हो? हाँ। कहाँ से आए हो? मैं तुम्हारे पेट में से आया हूँ। मेरे पेट में से आए हो? चलो चलो, भूत आ रहा भैया, भूत आ रहा, सब लोग आराम से, जरा सब लोग जरा आराम से। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। ये भूत, ये भूत खा पकड़ लेता है, ये भूत बहुत खतरनाक भूत है, ये भूत बहुत खतरनाक है। ये कौन निकला? अरे ये तो सेहरा निकली, ये तो मेवाड़ की बहन निकली। सो भाई अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे से घर, क्योंकि अभास भाई को छोड़ दिया है आज। एक्चुअली वहाँ पे ना जाम लग गया था बाहर, तो क्या कहते हैं, अरे यार आज ट्रक नहीं आ गए थे वहाँ, ये वहाँ पे तो एक्चुअली वहाँ पे ना बाहर काम भी चल रहा है और एक साइड पूरी ब्लॉक हो गई थी, तो ब्लॉक हो गई तो भाई जानते ही हो वहाँ पे क्या हाल होता है। तो अब आभास को छोड़ दिया, तो मेहमान आज कर लेना, मैं भी जाऊँगा गुरुद्वारे, तो मेहमान भी चल दिया अपने साथ। हाँ भाई आज भाई जो है ना, आज इसकी बहन ने इसको डरा दिया। हमने कहा यार ये एकदम से थोड़ा डरावनी लग रही है, अगर क्या कहते हैं तेरे को देख के ना डर ही जाए बंदा। तो अभी जो है ये मन्नु भाई की बुलेट खड़ी हुई है यहाँ पे, मन्नु मामा आए थे क्या? तो तो कार कौन सी लेके गए? i20 तो ये है, पता नहीं तू पागल हो गया। नहीं। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारे, तो ए ए ए लग गया, दरवाजा लग गया उसमें। तो
भाई गुरुद्वारे पहुंच के, अब कहा गए घर, गुरुद्वारे पहुंच गए, घर पहुंच गए यार। तो अब चलते हैं ऊपर, वो देखते हैं बाकी जनता सोई है कि नहीं सोई है। सो भाई सब बैठ गए हैं रिलैक्स मोड में। वो हो गई छोटी, तो वो स्लीपिंग प्रोसेस होता है ना स्यारा का ना, अलग से स्लीपिंग वाला प्रोसेस है, उसको पहले से लेटाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर जैसे होता नहीं फोन को, जैसे चार्जिंग या कुछ भी अपडेट करना होता है तो पहले इंस्टॉल करते हैं, पहले डाउनलोड करते हैं फिर इंस्टॉल करते हैं। तो ऐसे स्यारा का ही मोड है भाई साहब, कि उसको अगर सुलाना है ना तो पहले उसको पहले स्टोरी सुनानी पड़ेगी, फिर उसको थोड़ा सा काम डाउन करना पड़ेगा कि स्यारा सो जा। कुछ भी ठीक है। तो फिर उसके बाद वो सोती है, उसके बाद भी अगर आप सोचो कि रिलैक्स हो गए स्यारा सो गई तो एकदम छूटेगी, मम्मा पानी तो पिया ही नहीं। तो भाई ये हाल है उसका। और आज जो उसने डराया है ना भाई साहब घर पे, कौन कौन डरा है? डरा मतलब इन द सेंस वैसे नहीं डरा, बट एकदम से वो ऐसे बन गया ही ना तो ये क्या आ गया एकदम से। और रात में अगर भाई साहब अगर उसको वैसा खड़ा कर देते ना रात में तो पक्का कोई ना कोई एक दो राड वेल हो जाते। तो ये इतनी डबल है। पहले तो आई मेरे पास रोती हुई कि मेरे से कोई डर नहीं रहा, मैंने कहा पता नहीं क्यों रो रही है, तो कह रही है कि मेरे से कोई डर नहीं रहा है। तो मैंने कहा तू भाई ऐसे बन के गई है तो डरेगा कहाँ। फिर उसको जब दोबारा आपसे बिल्कुल ड्रेसअप करा उसकी माँ ने, तब जाके वो डरा के आई है एकदम से, ये देखो। तो रात में लाइट बंद करते उसको खड़ा कर देते ना भाई साहब, मज़ा आ जाती तब मज़ा आती। या तो किसी दिन ऐसे प्रैंक कर लेंगे, रात में अंधेरा हो रहा है स्यारा को यहाँ बाहर खड़ा कर देंगे बालकनी में ऐसे ही में, तो दो चार जो जा रहे होंगे उनकी तो हालत ख़राब हो जाएगी भाई बाहर से। तो चलो भाई पहुंच गए हैं घर, और करते हैं ब्लॉग को एंड। ब्लॉग पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।